कहान या फील करियो, एक लड़का बाहर गया है, उसकी माँ अकेली है, वो किसी जॉब के लिए या किसी भी उसके लिए बाहर गया हुआ है, उन दोनों के बीच बॉन्डिंग ऐसी है। तो शुरू करूँ हूँ, इजाज़त है भाई। कल रात मैंने ख्वाब में माँ को देखा, कल रात ख्वाब में मैंने माँ को देखा, एक पल को लगा जैसे खुदा को देखा, एक पल को लगा जैसे खुदा को देखा, एक झलक ही दिखी थी उसकी, एक झलक ही दिखी थी उसकी, और लगा के जरा वो थकी हुई है, दब चुकी है जिम्मेदारियों के बोझ तले, इसलिए वो जरा झुकी हुई है, इसलिए वो जरा झुकी हुई है। एक ऐसा होता है कि रोते हैं तो हमारी आंखें नम होती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो नमी सूखने लगती है, रोते रोते हमारी आंखें सूख जाती हैं। तो ऐसा ही है कुछ, मैं इतना दूर हूँ उससे, मैं इतना दूर हूँ उससे कि इंतज़ार में उसकी आंखें नम नहीं, कि इंतज़ार में उसकी आंखें नम नहीं, सूखी थी और मैंने खाना खाया के नहीं, इसी सोच में मेरी माँ भी भूखी थी, इसी सोच में मेरी माँ भी भूखी थी। लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है, लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है, मुझको वो जन्नत नहीं चाहिए, मुझको वो जन्नत नहीं चाहिए, ऐ खुदा मैं हमेशा माँ के आंचल की छांव में रहूं, तुझसे बस यही एक मन्नत चाहिए, हवेली मेरी बड़ी नहीं छोटी चाहिए, हवेली मेरी बड़ी नहीं छोटी चाहिए, बशर्ते उसमें माँ हो मेरी, मुझे रोज उसी के हाथ की रोटी चाहिए, मुझे रोज उसी के हाथ की रोटी चाहिए। माना कुछ दिनों से उससे दूर हूँ, क्या करूँ मैं भी तो मजबूर हूँ, मगर ऐ खुदा अब दूर उससे रहा नहीं जाता, जिंदगी ने जो दर्द दिया है वो किसी से कहा नहीं जाता, माँ ही मोहब्बत है मेरी, माँ ही मोहब्बत है मेरी, उससे जुदा होने का दर्द अब सहा नहीं जाता, भले ही देखना उस माँ के लिए उसका बेटा ही सारा जहान है, भले ही वो भोली है मगर मुझसे ज़्यादा तो वो तुझे भी मानती नहीं, मगर मुझसे ज़्यादा तो वो तुझे भी मानती नहीं, मैं ही हूँ उसकी दुनिया, मेरे अलावा वो किसी को जानती नहीं, बिना कहे ही सब कुछ समझ लेती है। एक ऐसा सबके साथ होता है, माँ पूछती है क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटी, तो हम सबको यही लगता है कि माँ नहीं समझ पाएगी, तो उसी पे ये लाइन है, मैं ही हूँ उसकी दुनिया, मेरे अलावा किसी को वो जानती नहीं, बिन कहे ही सब कुछ समझ लेती है, और मैं सोचता हूँ भोली है मेरी माँ, मेरे दर्द को पहचानती नहीं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। दो लाइन है चाय पे, मैंने उससे पूछा क्या है ये इश्क, मैंने पूछा क्या है ये इश्क, उसने बड़ी खूबसूरत सी एक राय दे दी, पहले लगाई अपने होठों से और फिर मुझको वो चाय दे दी। ना दिन में सुकून है ना रातों में चैन है, ना दिन में सुकून है ना रातों में चैन है, जिंदगी ये तेरा कैसा हशर आ रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं दिल छोटे हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं दिल छोटे हो रहे हैं, के सड़कें चौड़ी हो रही हैं दिल छोटे हो रहे हैं, लगता है उसका शहर आ रहा है। एक और भाई साहब भाई, माड़े टेम में किसे कीमती राय सा मिला है, माड़े टेम में किसे कीमती राय सा मिला है, जिंदगी के अंधेरा में मने मेरे साए सा मिला है, अरू तो रोज मिले हैं हजारों लोग, तू जिस दिन मिला है तो सवेर वाली चाय सा मिला है। तो यह सब खातर है सारे भाइयों ने मैं डेडिकेट करूँ हूँ, मर के भी मुझ में थोड़ी सी जान बाकी है, मर के भी मुझ में थोड़ी सी जान बाकी है, टूटे हुए दिल में अब भी थोड़े से अरमान बाकी है, हाँ तुझे खोकर बचा कुछ नहीं यकीनन खोने को, हाँ तुझे खोकर बचा कुछ नहीं यकीनन खोने को, मगर मेरी जान पाने के लिए अभी सारा जहान बाकी है। थैंक यू भाई।